हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये जो है ये हमेशा शॉर्ट जैसे 5 मार्क्स के लिए आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत रेयर ही आते हैं। 5 मार्क्स के लिए ऐसे पूछ लेते हैं, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी जो आते हैं तो सीधा पूछ लेते हैं कि ऑस्टियोपेनिया में जो मेडिसिन है वो कौन सी यूज होंगी, ड्रग्स पूछ लेते हैं कि ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में। तो अगर ये 5 या 10 मार्क्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया क्या होता है, जो हमारी BMD याद रखना, बोन मिनरल डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोपेनिया। ऑस्टियोपेनिया इज अ कंडीशन इन विच द बोन मिनरल डेंसिटी इज लोअर देन द नॉर्मल। फिर इसके हम पढ़ते हैं कॉजेज या एटियोलॉजी क्या होती है। जो ऑस्टियोपेनिया है ये मोर फ्रीक्वेंट होता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, क्योंकि जो इस्ट्रोजन होता है वो तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, लॉस इस्ट्रोजन रहता ही नहीं है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनमें, उसकी वजह से ऑस्टियोपेनिया यानी उसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लग जाती है। दूसरा कॉज क्या हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। कोई पर्सन ऐसे नहीं, फीमेल्स में ज्यादा होगा, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मेल्स में भी होता है, तो जो एक्सरसाइज नहीं करते उनमें देखने को मिल सकता है। या फिर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग की वजह से, या फिर कोई प्रोलॉन्ग यूज कर रहा हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिकेशन का, उनको हो सकता है, और एजिंग की वजह से भी हो सकता है ऑस्टियोपेनिया। एंड नेक्स्ट कॉज इज इसका हो सकता है कि जो नॉन वेट बियरिंग स्पोर्ट्स हैं उनमें उनके अकॉर्डिंग जो है वो इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन द पार्टिसिपेंट इन नॉन वेट बियरिंग स्पोर्ट्स। जो वेट बियरिंग स्पोर्ट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू वेट बियरिंग स्पोर्ट्स। नॉन वेट बियरिंग स्पोर्ट्स जैसे बाइसाइकिलिंग या स्विमिंग जो करते हैं उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, मतलब अगर होगा तो ऑस्टियोपेनिया नॉन वेट बेयरिंग वालों को जल्दी या फिर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू जैसे पावर लिफ्टिंग रनिंग वालों को। ठीक है, तो ये होगी इसकी इटियोलॉजी। फिर हम इसका करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, पहले पेशेंट का एक्सरे कराएंगे, बोन मिनरल डेंसिटी चेक कर सकते हैं उसमें T और Z स्कोर जो करते हैं चेक, MRI कराते हैं पेशेंट का और डेक्सा कराते हैं, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ठीक है, देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, पेशेंट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं हमने पहले, तो कोई भी मेडिसिन शुरू करने से पहले जैसे उसको एक्सरसाइज करने को बोलना है। ठीक है, एक्सरसाइज करने को बोलेंगे और वेट बियरिंग जो भी एक्सरसाइज है उसको करने को बोलते हैं पेशेंट को। डाइट में जैसे कैल्शियम जो रिच डाइट है वो लेने को बोलते हैं, विटामिन डी लेने को बोलते हैं। ठीक है, पेशेंट को धूप में बैठना, जैसे अगर वो स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल वगैरह लेता है तो उसको वो स्टॉप करने को बोलते हैं, यानी जो कॉजेस हैं उनको हमने हटाना है सारे। ठीक है, फिर आती है मेडिकेशन क्या यूज करेंगे, तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि ये कर देंगे। फिर मेडिसिन क्या शुरू करेंगे, फर्स्ट आता है बिसफॉस्फोनेट्स में जैसे रेजिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट या फिर आइबेंड्रोनेट होते हैं बिसफॉस्फोनेट में, या फिर स्ट्रॉन्शियम की जो मेडिकेशन आती है जैसे स्ट्रॉन्शियम रेनिलेट या फिर स्ट्रॉन्शियम सिट्रेट दे सकते हैं। और जैसे फीमेल है वो उसमें जैसे मैंने बताया कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है, तो उनमें हम क्या देंगे, सिलेक्टिव इस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो देंगे, जैसे इस्ट्रोजन दे दिया, कैल्सिटोनिन। ठीक है, या टेरिपेराटाइड देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑस्टियोपेनिया। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, पोरोसिस यानी जो बोन होती है वो ब्रिटल हो जाती है, वीक हो जाती है, और वो प्रोन हो जाती है कि अगर उस पर थोड़े से भी किसी ने कुछ हार्म किया तो एकदम ब्रेक हो जाती है। नॉर्मली अगर आप थोड़ा बहुत कुछ काम करते हो, कोई एक्सेसिव वर्क कर लिया तो बोन नहीं टूटती, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट में बोन इतनी ज्यादा ब्रिटल, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि थोड़ा ही कोई ज्यादा ही वेट बियर कर लिया, कोई चीज गिर गई तो उससे ही जो है वो बोन ब्रेक हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज इन विच द बोन डिटीरियोरेट्स और बिकम ब्रिटल
एंड फ्रेजाइल ड्यू टू लो बोन मास. बोन मास कम होने की वजह से बोन ब्रिटल हो जाती है एंड द बोन टिश्यू लॉस की वजह से. या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ डिजीज वेयर इंक्रीज्ड बोन वीकनेस एंड इन देयरफॉर इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रोकन बोन. कॉमनली ब्रोकन बोन कौन कौन सी बोन जो है वो ब्रोकन हो सकती है, जैसे कि वर्टिब्रीज, हिप या फिर फोर आर्म्स. ठीक है, कॉजेस तो इसके भी जैसे ऐसे ही होंगे, एल्कोहल इनटेक, एनोरेक्सिया या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो किसी को, किडनी डिजीज हो, या फिर बिल्कुल ही पेशेंट एक्सरसाइज ना करता हो, कीमोथेरेपी पे हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज्यादा ले रहा हो, तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं. देन वी कम टू दिस साइन एंड सिम्टम. कोई अलग से साइन एंड सिम्टम नहीं आते, लेकिन जो बोन के फ्रैक्चर होने का रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है. पेशेंट को क्रॉनिक पेन रहता है, जैसे काफी टाइम से बोन, किसी भी चाहे वो बैक बोन हो या फिर लेग की या फिर अपर लिम की, जो भी बोन में पेन होगा, यानी क्रॉनिक पेन रह सकता है पेशेंट को. बट नॉर्मली यही साइन एंड सिम्टम यही है इसका कि उसकी बोन जो है वो ज्यादा प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के लिए. फिर आते हैं डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में हमने जो वो बोन मास जो डेंसिटी है वो चेक करानी है पेशेंट की. डेक्सा जो इसमें बताया था, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे, एब्जॉर्प्शियोमेट्री एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, या फिर इसमें और क्या करा सकते हैं, क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी करा सकते हैं. और ट्रीटमेंट में इसमें भी क्या होगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं. पेशेंट को स्मोकिंग या अल्कोहल नहीं लेने देना, कैल्शियम और विटामिन डी जो वो एड करना है, और मेडिकेशन भी जो ऑस्टियोपीनिया की है वो ही ऑस्टियोपोरोसिस में देनी है, जैसे बिसफॉस्फोनेट, एबेंड्रोनेट, रेजिड्रोनेट, स्ट्रॉन्शियम रेनेलेट या स्ट्रॉन्शियम सिट्रेट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस. थैंक यू.